दस मिनट बसमा आउने के बाद अब म रेलवे स्टेशन पुगियो। अब यहाँबाट म 10 मिनट बिति जानुपर्छ, मेरो ट्रेन आउनु लागि 6 मिनट बाँकी छ। अब टिकट हो, अब माथि आइपुग्यो। यताबाट म ड्युटी जाने टाइमको त्यो ट्रेन चाहिँ यतामा आउँछ। विदेश में है, लोग बोलते हैं ना, वो तो विदेश में है, बहुत पैसा है उसके पास, बहुत कमा रहा है भंसे। आज दिखाता हूँ कैसे कमाते हैं। ट्रेन में इतनी भीड़, इतनी भीड़, यहाँ पर सवा वो भी नहीं ठाव नहीं पाए ना यार। आधी घंटा मेरा उम्र आए सब काम में जा रहे हैं। इससे इसमें जितना भी आदमी है कोई भी घूमने जाने का वाला इधर कहीं जाने वाला नहीं, सबकी सब अपने अपनी ड्यूटी के लिए निकला हुआ है। करवा है मगर सच है, लोग बोलते हैं ना तुम तो विदेश है ना, तू उतना भी नहीं दे सकते, इतना भी नहीं दे सकते, तेरे पास तो पैसा है, विदेश में पैसे ही पैसे कमा रहा है, बोलता है ना विदेश में ऐसा करके जाता है। देख सुबह ऐसा करके जाता है, शाम को जैसे छुट्टी होता है ऐसे ही करके वापस आना पड़ता है। ये सीढ़ी सीढ़ियों में भीड़ नहीं है, ट्रेन में, बस में, रास्ते पे, हर जगह में ऐसे भीड़ होता है ड्यूटी जाने और आने के टाइम में। इट्स नॉट नॉर्मल, आप देख सकते हैं सब अपने अपने काम में जाते हुए।
देखो सब अपना अपने ड्यूटी में जाते हैं, इतना बिजी रहते हैं, शाम को सुबह सिर्फ ये रास्ते में भीड़ नहीं होते, ट्रेन में बस में बापरे बैठने के जगह नहीं मिलता है, खड़ा खड़ा आना पड़ता है। इस जगह आप लोगों को एक बार पहले दिखा चुका हूँ मैं, आज फिर एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, ऐसा ना कभी कभी तो दिल में ऐसा करवा सा दुख सा लगता है, क्या यार क्या जिंदगी पाया है मेरे। सुबह उठो काम पे जाओ, दिन भर काम करो, घर में ऊपर सो, ऐसा या कोई ऐसा फ्रीडम नहीं है जैसे हम 5 मिनट कहीं यार दोस्त से मिले और बातें करें और साथ में कहीं अच्छे होटल में खाएंगे पिएंगे बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और एक हफ्ते काम करते रहो, जिस दिन छुट्टी है उस दिन थोड़ा आराम से बैठेगा, वह तो बैठ नहीं पाता है क्योंकि ऑफिस में कागज उगज को काम होता है, वो करके वो बस आओ खाना वाना खा लो, तब तक तो छुट्टी ख़त्म। ऐसे है तो कभी ऐसा लगता है क्या यार क्या जिंदगी पाया है, कभी एक दिन के लिए आराम से बैठने के लिए नहीं मिलता है, ऐसे भी लगता है कभी तो लगता है। ठीक है यार, कितना लोग बेचारा हाथ पैर नहीं है, कोई कोई लोग अपने शरीर से जब प्यास लगेगा एक बूंद पानी पी नहीं सकता है, ऐसे लोग भी है, एकदम अपना शरीर नहीं चलता है, बाकी सब कुछ चलता है शरीर नहीं चलता है। इसी हिसाब से सोचता हूँ फिर, ठीक है यार भगवान ने जो भी दिया सही दिया जैसा ऐसा फील होता है। लेकिन कैसे है ना, जो हम इंसान लोगों को कोई कोई तो बैठ बैठ के खाते हैं हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है बोलता है ना, तब मेरे को ऐसे अजीब लगता है, भगवान ने हाथ पैर सलामत दिया आपको, जाओ कमाओ खाओ बोल करके, तो कमाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा सोच के अच्छा भी लगता है, फिर खुशी भी होती है। ऐसे ही विदेश की ज़िंदगी क्या करेगा, कभी खुशी तो कभी गम, कोई बोलता है ना ज़िंदगी में सुख और दुख साथ कभी अगर लाइफ में नहीं आया तो जीने के मज़ा नहीं आता है बोलते हैं। मेरे को तो दीने में कोई सुख दुख दो और तीन बार आते रहते हैं, तो मुझे लगता है जीने के लिए मज़ा आ रहा है, ऐसा है। जस्ट जोकिंग गाइस, थैंक यू सो मच आप सबको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत। मैं आप लोगों को ब्लॉग बना के रोज़ एक ब्लॉग डालने का कोशिश करूँगा, लाइक आए ना आए, कमेंट्स आए ना आए, थोड़ा व्यू आते हैं तो अच्छा लगता है, चलो भाई कोई तो देख रहा है ऐसा लगता है, इसलिए बनाना तो नहीं आता है, ऐसे ऐसे सीख जाऊँगा, इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब करके, थैंक यू। एक दिन मैं भी ऐसा गाना गाऊंगा, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पर जाए, तुम देना साथ मेरा तो हम नवा, न कोई तेरा साथ मेरा वो हमनवा, तू देना साथ मेरा वो हमनवा, ऐसे गाना गाऊंगा किसी को मिलेगा तो। यो चाहिँ मैले ड्युटी गर्ने ठाउँ हो, लोटस ब्लू, मैले मेरो छुट्टी भयो, अब म चाहिँ घरतिर लागेको, अब छुट्टी हो गया घर जा रहा हूँ, यही था मेरो
जहाँ पे काम करते हैं हमारे दुकान बोलो या छोटा सा रेस्टोरेंट है। अब निकल रहा हूँ घर के लिए, रात हो गया पूरा अंधेरा। मुझे ब्लॉग बनाना नहीं आता है, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ जितना हो सके अच्छा ब्लॉग बनाने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ से थोड़ा आगे जाके मुझे बस मिलेगा, प्रिया मैं बस में बहुत कम जाता हूँ क्योंकि नज़दीक है, पैदल चलने से 10 मिनट समथिंग 10 मिनट लगते हैं। सुबह और शाम वो मैं कम से कम चलने का कोशिश करता हूँ पैदल, बिकॉज थोड़ा एक्सरसाइज के लिए, इसलिए मैं बस में बहुत कम जाता हूँ। कभी एकदम बोर हो गया तभी बस में जाता हूँ, वरना बस में नहीं जाता हूँ। उसके बाद रेलवे स्टेशन पहुँच जाएगा, फिर मैं मेट्रो पकड़ के जाता हूँ। 2 मिनट लेट हो गया, देखो हमारा वाला बस ये वाला है, वो बस निकल गया। कोई बात नहीं, फिर मैं पैदल जाता हूँ तो घूमते घूमते पैदल ही जाऊँगा। आई थिंक एक बस और आ रहा है लेकिन हमारा वाला नहीं है, सो चलते हैं। यहाँ से रात को ऐसे नज़ारा है, बहुत सुंदर फूल, मुझे अच्छा लगता है, इसे फूल बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से मेरे को लिफ्ट में जाना होता है, ये वाला लिफ्ट काफ़ी ऊंचा है। खुल जा सिम सिम, अभी हम ऊपर को पहुंच गया। अभी यहाँ नीचे से बैठा था ना, ऐसा नज़र है रात को, बहुत खूबसूरत नज़ारा अच्छा लगता है ना देख के। दिन भर काम करके आता है ना, थक जाता है, फिर ऐसा खूबसूरत नज़र देखता हूँ पूरा थका ही मिट जाते हैं, वो खुशी होते है दिल में, इतना अच्छा महसूस होता है। देखो कितना प्यारा नज़ारा है, यहाँ से थोड़ा आगे से एफिल टावर नज़र आता है थोड़ा सा। अभी हम कोशिश करेंगे आप लोगों को दिखाने के लिए एफिल टावर। यहाँ से वो बड़ा वाला बिल्डिंग का पीछे थोड़ा लाइट जले है ना, ये देख एफी टावर को मुंडी नज़र आ रहा है ना, वो बिल्डिंग का सामने देखो ये वाला, ये देखो ये वाला एफी टावर का मुंडी नज़र आ रहा है। यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़र है, बहुत सुंदर शहर। यहाँ से थोड़ा और ज़्यादा नज़र आ रहा है, देखो एफिल टावर आप लोग को दिखाने का कोशिश करेंगे, इतना जूम नहीं हो पा रहा है, फिर भी ये वाला देखो, ये वाला एफिल टावर ये जो नज़र आ रहा है ये अभी नया बन रहा है, पूरा बनी नहीं है, नया बन रहा है अभी, ये बना के ज़्यादा नहीं हुआ, बहुत जल्दी बनाते हैं यहाँ पे ये घर ना। ये देखो रास्ता कितना सुंदर लगता है, सुंदर देखते हैं ना, बहुत खूबसूरत नज़र। ये फ्रांस पेरिस का स्पेशल एरिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खूबसूरत घर बिल्डिंग्स देखने को मिलता है। ये पेरिस का एक स्पेशल एरिया है, यहाँ का नाम लादेफोंस बोलते हैं, बहुत सुंदर जगह है, बहुत खूबसूरत जगह। ये एरिया मैंने पहले
आप लोग को दिखाया था दिन में, रात को पहली बार शायद मैंने यहाँ शूट कर रहा हूँ, दिन में दिखाया था, मेरा पहले वाला वीडियोस में है, आप लोग देख सकते हैं ये एरिया दिन में कैसा दिखता है। अभी ये रात को मैंने शूट पहली बार कर रहा हूँ, सो बहुत सुंदर ब्यूटीफुल नज़र, बहुत ही अच्छा। ये बिल्डिंग्स देखने में ऐसा लगता है, नीचे से ऊपर देखो तो ऐसा लगता है जैसे अब उनको ऊपर गिर के आ जाएगा जैसा। यहाँ पे एक जिम है बॉडी के लिए, एकदम सुंदर जिम है। सो पहले मैं सोच रहा था यहाँ पे जिम करने जाऊँगा, लेकिन टाइम ही नहीं निकाल पड़ते। सुबह उठो ड्यूटी में जाओ, शाम को इसी टाइम में घर लौटो, तो इसलिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था। ये शायद मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो अंदर लो एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये जिम है, बहुत सुंदर जिम, बहुत प्यारा। अभी मुझे 20 मिनट और इंतज़ार करना होगा यहाँ पे मेरे घर की तरफ जाने के लिए ट्रेन के लिए। आज थोड़ा ट्रेन कम है, पता नहीं क्यों है। सो कोई बात नहीं, इंतज़ार करने पड़ेगा। सो आज बहुत गर्मी हो रहा है, तो कुछ पीने के लिए मिलेगा, कोशिश करते हैं इससे बोल के, कौन से वाला नंबर 42 ये वाला पी के देखेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो देखते हैं, ये देखते हैं नहीं देते हैं। ये देव जी, थैंक यू, फुल जा सिंह सिंह, ओके थैंक यू सो मच। सो खाना भी नहीं खाया आज, गर्मी की वजह से खाना खाने का दिल नहीं कर रहा था। सो कुछ खाएंगे, थोड़ा सा मीठा थोड़ा सा खट्टा, 10 नंबर वाला देखते हैं, ये देते हैं नहीं देता है, ये वाला खा के देखते हैं। अरे यार, पैसे देने के लिए बोल रहे भाई, ले ले तू पैसा ले ले। चलो भाई दे दे यार, खाना भी नहीं खाया आज। ओके मिल गया, अभी खाएंगे पियेंगे, 20 मिनट का टाइम है तो थोड़ा आराम करके ये वाला खा के ये वाला पियेंगे, थोड़ा बैठेंगे, चेयर तो नहीं है, बहुत लोग बैठा है। सो कोई बात नहीं है, यहाँ वाईफाई फ्री है, यहाँ पर उठ के थोड़ा खा पी के बैठ जाएंगे खरा खरा। अभी यहाँ पे खड़ा खड़ा बैठना पड़ेगा, क्या करेगा, सीट तो है नहीं है बैठने के लिए, लोग बैठा हुआ है, थोड़ा ये खा लेंगे, आप लोग भी पी लिया, मज़ा आ गया, खाना नहीं खा रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी था तो खाना खाने का दिल नहीं कर रहा, तो अभी पैदल आया तो और ज़्यादा। Thank you.